हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ यहीं पास के साईं बाबा मंदिर, जो यहाँ छतरपुर में है, और वहाँ जा रही हूँ आज नन्नू को फर्स्ट टाइम लेके। पास में ही है तो साईं बाबा के मंदिर जाते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। नन्नू से आपको मिलवा देती हूँ। नन्नू भी यहाँ रेडी है अपना पिंक कलर का रोमपर पहन के, और दीप भी रेडी है। ये देखिए नन्नू कितनी क्यूट लग रही है ना, पिंक कलर का रोमपर पहना हुआ नन्नू ने, और हेयर बैंड भी। तो शाम के टाइम पे जा रहे हैं क्योंकि सुबह तो हो नहीं पाता बच्चे के साथ जल्दी, तो शाम के टाइम जा रहे हैं। तो चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो यहाँ हम घर के लिए वापसी के लिए निकल गए थे, और वापसी में ये हमें आते आते ना थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देख रहे हैं आप कुतुब मीनार कितना सुंदर लगता है रात के टाइम पे। कुतुब मीनार में पूरे में लाइटिंग होती है रात के टाइम पे, और इस ये जो टाइम है ना बहुत सुंदर लगता है घूमने के लिए। अभी भी आप देख रहे हैं गेट पे कितनी भीड़ है, अभी भी घूमने वाले लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा है ये कुतुब मीनार इस टाइम। और कुतुब मीनार के थोड़े से आगे जाके अपोजिट साइड पे सारे डिज़ाइनर स्टोर्स आ जाते हैं, जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, जैसे सब्यसाची, गौरव गुप्ता का है और अनीता डोंगरे का है, ये सारे ना एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं इनके। तो यहाँ तो काफ़ी बहुत अच्छा है शॉपिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हाई प्रोफाइल क्राउड ही आता है क्योंकि यहाँ के ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, हज़ारों में नहीं लाखों में स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्राउड तो नहीं आता, हाई प्रोफाइल ही लोग आते हैं। और इसी लेन पे और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े काफ़ी, तो काफ़ी घूमने वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, पब वगैरह है। पर यहाँ का क्राउड थोड़ा सा वैसा ही है, थोड़ा सा हाई प्रोफाइल ही है, सिंपल लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। पर ड्रेसेस बाहर से हम देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, बट काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, वो लाखों में स्टार्ट होती हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है कुतुब मीनार रात के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, कल के बाद मैं बस आज ही अपना कैमरा उठा रही हूँ, क्योंकि कल तो मैं आगे का कुछ भी नहीं शूट कर पाई, और क्योंकि मंदिर गए हुए थे और मंदिर में नन्नू को भी फिर संभालना था, और कैमरे से शूट ही नहीं हो पा रहा था कुछ भी। बस थोड़ा बहुत मैंने मंदिर आपको साईं बाबा के दर्शन करा दिए थे, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई क्योंकि घर भी आना था टाइम से, क्योंकि अंधेरा हो गया था नन्नू के साथ बाहर, अंधेरे में ज्यादा देर रह नहीं सकते थे। तो ऐसे निकल गए थे कल थोड़ा साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि पहले ना मैं साईं बाबा के फास्ट रखती थी, और साईं बाबा के फास्ट रखती थी तो इस वजह से मेरा ना हमेशा से साईं मंदिर जाने का बहुत रहा है। मैं बहुत जाती थी पहले भी, मैं बहुत जाती थी साईं बाबा मंदिर, पर कुछ टाइम से जब से लॉकडाउन लगा ना तब से थोड़ा सा मेरा कम हो गया था जाना। और अभी फिर नन्नू भी होने वाली थी तो मैं बहुत टाइम बाद कल गई साईं बाबा मंदिर, और मेरा मन भी था नन्नू को एक बार लेके जाने का, दर्शन कराने का। तो कल मैं उसको दर्शन करा लाई और बहुत अच्छा लगा वहां जाके। मुझे भी बाबा पे एक चादर चढ़ानी थी तो वो भी मैं चढ़ाई, और उसके बाद फिर मैं ज्यादा कुछ शूट तो कर नहीं पाई वहां पे, बहुत कम ही मैंने वहां पे कुछ वो मतलब शूट किया है। उसके बाद बच्चे को लेके फिर ज्यादा बाहर कर भी नहीं सकते है ना, क्योंकि नन्नू भी बाहर निकलते उसको पता नहीं बाहर निकलते क्या होता है, वो सो जाती है गोद में, फिर सो ही रहती है। मतलब हम घर से गए थे तब थोड़ी देर वो उठी है बाहर, उसके बाद वो पूरे रास्ते सो ही रही, और मंदिर में वो जहाँ तक है लगभग सो ही रही थी, सोते सोते ही घर आ गई थी। तो बच्चे के साथ अब पहले जैसा नहीं है, अब बच्चे के साथ बाहर निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वही हो जाता है। और आज मैंने थोड़ा सोचा अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लूँ, तो अभी तो मैं चाय वगैरह ले रही हूँ, अब थोड़ी देर में लंच करूँगी, लंच आपके साथ शेयर करूँगी क्या बनाती हूँ, और कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ घर से ही जो भी मैं करती हूँ वो आपको दिखा देती हूँ।
तो कैसे लग रहे हैं आपको, मेरे कमेंट से भी जरूर बताना मुझको, और देखूंगी आगे कुछ नया लेके आऊंगी। जब तक के लिए तो घर के ब्लॉग्स हैं, तो फिर मिलते हैं आपको लंच के बाद। तो अभी शाम की चाय बन चुकी है, और रोज ना दिन में ना मैं और नन्नू ना इसी तरीके से ना नीचे बिस्तर लगा देती हूँ नन्नू का, और नन्नू देख रहा अब यहीं पे लेटी रहती है, अपने खिलौनों से खेलती रहती है, और सामने टीवी चल रहा है, हम दोनों टीवी देखते रहते हैं, नन्नू भी बैठ के टीवी देखती रहती है। फिर कभी कभी तो मुझे इसकी बगल में यही नींद भी आ जाती है जमीन पे ही, सही लगता है। अब गर्मियां भी हो गई है ना, दिन में के टाइम पे जमीन पे अच्छा लगता है, और नन्नू भी पलटने लग गई है तो थोड़ा इसको भी स्पेस मिल जाता है, डर भी नहीं रहता कि कहीं गिर विर जाएगी। तो अभी शाम की चाय बनाई हुई है, और आज बहुत दिन हो गए समोसे नहीं खाए हुए थे, आज बड़ा मन कर रहा था चाय के साथ समोसे खाने का, तो मैंने दीप से कहा यार ले आओ समोसे। तो अभी टी ब्रेक हो रहा है दीप का ऑफिस से, थोड़ी देर की छुट्टी है, टी ब्रेक है, तो जाके एक समोसे ले आए थे, तो आज चाय के साथ हम लोग समोसे एंजॉय कर रहे हैं, गरम गरम चाय बनाई हुई है, तो आज बहुत दिनों बाद समोसे खा रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि नन्नू मुझे करने नहीं दे रही है। वैसे तो ये सारा दिन आराम से खेलती है, लेकिन जब मैं कोई काम करने लगूँ तो उस टाइम ये ज़रूर रोती है। तो अभी मैंने इसे बड़ी मुश्किल से चुप कराऊंगी, और अब मैं अपने शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं सब्जी काट रही हूँ, और टीवी देखते देखते ये सारे शाम के काम हो जाते हैं, और साथ में नन्नू बगल में बैठ के खेलती रहती है इसी तरीके से। यहाँ मैंने सब्जी काट ली अपनी शाम की। तो यहाँ पे ना ये थोड़ी सी मलाई है, इसको मैं फेंट लूंगी अच्छे से, ये ना मटर पनीर में डालो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा ना क्रीमी टेक्सचर हो जाता है मटर पनीर का, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ये मैंने मलाई ना मैं रोज के दूध से थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ, अभी ये दो दिन की मलाई है, तो अब ये मैं मटर पनीर बन जाएगा तो उसके अंदर डाल दूंगी, उससे ना इसका टेस्ट मटर पनीर का और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्याज ही नहीं डाला हुआ, सिर्फ टमाटर डाला हुआ है ना मटर पनीर में, तो वो इससे ना थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी, क्योंकि हम प्याज नहीं खाते डेली में, पापा जी नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते, इस वजह से तो डेली की सब्जी में प्याज तो डलता नहीं है, पर हम खा लेते हैं अगर हमें मन करता है कभी कभी, तो जो हम अपने लिए बनाते हैं उसमें हम प्याज डाल लेते हैं। तो अब ये इसको मैं अच्छे से
वो कर दूंगी, फेंट लूंगी और फिर इसे पनीर के अंदर डाल दूंगी। वैसे शाम को ना मैंने वो काटा हुआ था लौकी, लौकी काट दी थी मैंने रात के डिनर के लिए, लेकिन ना सबने मना कर दिया लौकी खाने से, क्योंकि मैं ना लास्ट टाइम मैं मार्केट गई थी तो मैं एक लौकी लेके आ गई थी, तो मैंने परसों ही ना लौकी बनाई थी, फिर कल दीप भी मार्केट गए थे तो वो भी ना दो लौकी उठा लाए, फिर मैंने परसों लौकी की सब्जी बनाई थी और कल मैंने ना लौकी के कोफ्ते बनाए थे और आज मैंने फिर से लौकी काट दी, तो सब कह रहे कितनी लौकी खिला रही हो तो हम नहीं खा रहे अब लौकी, तो फिर इसलिए फिर मैंने पनीर मंगाया और पनीर बनाया, अब लौकी कटी हुई है उसकी सब्जी कल बनाऊंगी, तो रोज रोज लौकी खा खा के भी बोर हो गए थे इसलिए आज पनीर बना लिया। सो फ्रेंड्स डिनर हो चुका है, अब नन्नू के सोने का टाइम हो गया है, अब नन्नू को सुलाऊंगी, इसे फीड कराऊंगी, फिर से सुलाऊंगी। आजकल इसको ना रात को सुलाने का मैंने वो कर दिया है तो ये सो भी जाती है थोड़ी देर, इतना रात को नहीं परेशान होती ना करती है। तो आप ये वीडियो तो यहीं तक ही है, आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।